हेलो एवरीवन वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक दैट इज़ द इंपॉटेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन दिन इन द इंडियन इकोनॉमी सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डायरेक्ट आते हैं टॉपिक के ऊपर में और ये जो लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर है हमारे एम सीरीज़ का जो कोर्सेज़ हैं डिफरेंट कोर्सेज हैं अगर मैं बोलू प्लांट बायोटेक हो गया एग्रोनॉमी सेक्शन हो गया इंटोमोलॉजी सेक्शन हो गया ये हम लोगों ने डिफरेंट टीचर्स के अंदर में बांट रखा है तो ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये लेक्चर जो सीरीज़ है ये बेसिक के अंदर में आता है तो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये आप अगर एग्रोनॉमी से पढ़ोगे प्लांट साइंस से पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए तो इस वीडियो को आप इस तरीके से नहीं देखोगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है बेसिक बात इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है ये सभी को पता होना चाहिए सो लेट स्टार्ट दी वीडियो और सबसे पहले मैं बात करूंगा एकदम बेसिक्स के साथ में एग्रीकल्चर के बारे में लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिस है तो क्या है एग्रीकल्चर इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखता है एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज टू सस्टेन ह्यूमन लाइफ एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक गेन यानी एग्रीकल्चर क्या है एक प्रैक्टिस है प्रोसेस uh, है जिसमें हम क्या करते हैं नेचुरल रिसोर्स को हम कल्टिवेट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कल्टिवेट करते हैं ताकि हम ह्यूमन लाइफ को सस्टेन कर पाएँ और दूसरा इकोनॉमिक गेन के लिए यानी एग्रीकल्चर का दो रोल है एक टू सस्टेन ह्यूमन लाइफ एंड सेकेंड इज़ टू फॉर द इकोनॉमिक गेन इट कम्बाइंस द क्रिएटिविटी अब एग्रीकल्चर करने के लिए हमें क्रिएटिविटी चाहिए इमेजिनेशन चाहिए एंड स्किल चाहिए ताकि हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स और जो एनिमल को हम रेज करेंगे अपने मॉडर्न टेक्निक से उनको किस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिवली किया जा सके तो अल्टीमेटली यहाँ पे दो चीज़ें और मैंने मेंशन करी कि इसमें हम क्रॉप्स और दूसरा एनिमल्स दोनों को क्या करते हैं इन्वॉल्व करते हैं तो एग्रीकल्चर इज नॉट अप टू प्लांट्स इट ऑल्सो अप टू एनिमल्स सो बेसिक डेफिनेशन एग्रीकल्चर का हमने देख लिया अब आते हैं कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री सेगमेंट में बात करेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ तक गया है तो अगर हम अभी करेंट सिनारी में बात करते हैं या फिर हम लास्ट वन डिगेट के बारे में जाते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द इंडियन इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है इन द इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर इज ओनली मीन्स ऑफ लिविंग ऑफ़ फॉर ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ द इम्प्लॉयड क्लास क्लास ऑफ इंडिया यानी अगर हम कहें टोटल हंड्रेड परसेंट में से सिक्सटी परसेंट जो इंसान है या जो ह्यूमंस हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है दी एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया हैज़ ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट फोर्टी थ्री परसेंट ऑफ द इंडियाज जियोग्राफिकल एरिया यानी जो टोटल लैंड है उसमें से कल्टिवेबल लैंड यानी जहां पर एग्रीकल्चर किया जाता है चाहे जरूरी नहीं है प्लांट एनिमल रेयरिंग को इंक्लूड करके वो टोटल फोटी थ्री परसेंट है ठीक है ये अपडाउन थोड़ा मोड़ा होता रहेगा लेकिन अप टू फोर्टी परसेंट से ऊपर है ठीक है एग्रीकल्चर इज स्टिल दी ओनली लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स इंडियाज जीडीपी अगर हम बात करें अभी पे आप, आप 16 परसेंट देख रहे हो ये थोड़ा सा ओल्ड डेटा है अगर अभी करंटली अगर आपको 2022 का डाटा बा, अगर बात करूँ तो 2022 में कितना है 16 परसेंट नहीं इट इज 19 परसेंट यानी जो uh, एग्रीकल्चर जो पार्ट रखता है इंडिया जी डी में दैट इज़ अप टू 19 परसेंट ठीक है लेकिन क्या ये 19 परसेंट बढ़ा है पहले से या फिर अगर हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम दी रिवॉल्यूशन टाइम यानी नाइनटीन जब हमारे पास में आ, आ, जो कहते हैं आ, क्राइसिस आया था फूड क्राइसिस हुआ था उसके बाद अगर हम उस टाइम पे अगर देखते हैं तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा था एग्रीकल्चर का जीडीपी में धीरे धीरे हम क्या करने लग गए मेन कोर एग्रीकल्चर से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में आ गए हम धीरे धीरे एग्रीकल्चर को छोड़ते चले गए तो अभी भी एक बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनमी के अंदर में इन्हीं सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे तो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी ग्रोथ ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ इंडिया यानी अगर हम कहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर यानी विलेजर्स को अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आ, उनका जो ल, लेवल ऑफ लर्निंग हो सकता है या फिर लिविंग जो है वो दी, आ, जो लोग शहर में रहते हैं वहां तक का नहीं है तो इस चीज को भी इंप्रूवमेंट करने में एग्रीकल्चर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है सो तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड आप देखोगे जस्ट सेकेंड अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं अर्लियर पहले क्या होता था तो यहां पे हमने कुछ चीजें मेंशन करी हैं जस्ट सेकंड इन अर्लियर टाइम्स इंडिया वॉज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन फूड इम्पोर्ट्स पहले हमें फूड इम्पोर्ट करना पड़ता था बट सक्सेसिव स्टोरी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियन इकॉनमी हैज मेड इट्स सेल्फ सफिशेंट इन ग्रेन प्रोडक्शन ठीक है मतलब हम अभी गेल जो ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं उसमें सेल्फ सफिशियंट हैं द कंट्री ऑल्सो हैज सब्सटेंशियल रिजर्व फॉर द सेम यानी इतना है कि अब हम रिजर्व करते हैं और दूसरे कंट्रीज को इवन एक्सपोर्ट भी करते हैं अगर आप देखोगे तो वीट का एक्सपोर्टर बहुत अच्छा है इंडिया ठीक है ना अभी आपने रसिया यूक्रेन क्राइसिस में भी देखा होगा इंडिया ने बहुत देशों को क्या किया है वीट का एक्सपोर्ट किया है इंडिया स्पेंड्स या सॉरी इंडिया डिपेंड्स हैवीली ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली फॉर द फूड प्रोडक्शन ठीक है अगर ये पहले के बारे में बात करें तो उससे पहले देखो 1960 में अपने पास में फूड सेक्टर में क्राइसिस आया था तब से इंडिया ने बहुत सारा एफर्ट लगाया कि ताकि हम सेल्फ सफिशियंट हो पाए फॉर दी फूड प्रोडक्शन ठीक है और उसी से इन्फ्लुएंस होकर ये जो दिक्कत उस टाइम में फूड क्राइसिस हुआ उसके बाद इंडिया में आया ग्रीन रिवोल्यूशन ठीक है ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया उसके बाद से मतलब हमने ग्रीन रिवोल्यूशन में बहुत सारा एम रखा आपने बेसिक बेसिक पढ़ा होगा आपने सेमी सेमीडॉल वैराइटीज ऑफ राइस एंड वीट यूज़ करना स्टार्ट किया बहुत फर्टिलाइजर्स का एग्रीकल्चर मशीनरीज वगैरह यूज करना स्टार्ट किया तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में आपको बेसिक पता है स्टिल मैं ये चीज़ पढ़ाऊंगा अभी लेकिन आज का हमारा फोकस ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं है जस्ट कि वहाँ पर फूड प्रोसेस हुआ फिर इंडिया में अंदर आता है ग्रीन रिवोल्यूशन तो ग्रीन रिवोल्यूशन एम इन टू एग्जिस्टेंस विद द एम टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर इन इंडिया अल्टीमेटली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन एम था उस टाइम पे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडिया में इंप्रूव कर पाएँ ठीक है अब देखो जब सर्विसेज इन्हेंस बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इंप्रूवमेंट हुआ आफ्टर दी ग्रीन रिवॉल्यूशन जिससे इंडियन इकॉनमी में फर्क पड़ा फर्स्ट एक्वायरिंग मोर एरियाज फॉर कल्टिवेशन परपज हमने ज़्यादा लैंड एरिया एक्वायर करने लग गए करने लग गए फॉर दी एग्रीकल्चर एक्सपेंडिंग इरीगेशन फैसिलिटीज हमने डैम्स बनाना स्टार्ट किया चैनलाइज किया चीज़ों को किस तरीके से हम इरीगेशन प्रॉपरली कर पाएंगे क्रॉप्स को यूज ऑफ इम्प्रूवड एंड एडवांस्ड एच वाई वी सीड्स यानी हाईब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स का हमने यूज करना स्टार्ट किया इंप्लीमेंटिंग बेटर टेक्नीस डेट इमर्ज फ्राम एग्रीकल्चर रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च पे खर्चा करना स्टार्ट किया कि किस टेक्निक से हम सेम क्रॉप को बेटर तरीके से लगा सकते हैं वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स यानी अगर अगर आप देखोगे इरिगेशन में बहुत तरीके से हम आ, इरिगेशन आज करते हैं ठीक है अगर आप बेसिक बेसिक देखो स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया चैनलाइज यानी चैनल्स बना के हम करते हैं तो बहुत तरीके का इरीगेशन है तो वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से करना है प्लांट में इसको सीखा प्लांट प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ थ्रू दी प्रूडेंट यूज़ ऑफ़ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ठीक है यानी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना स्टार्ट किया ठीक है तो ये पहले का कहानी है यानी पहले का कहानी इन द सेंस ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और उससे पहले क्या था आने के बाद ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे बढ़ी अब थोड़ा सा हम जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ में दैट इज़ इंडियन गवर्नमेंट ने फिर और क्या किया सो so अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो सेट अप मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टू स्टिमुलेट द एग्रीकल्चर सेक्टर इन ऑफ इंडियन इकोनमी एंड मेक इट मोर ल्यूक्योरेटिव इंडियाज़ एग्रीकल्चर सेक्टर हाईली डिपेंड अपॉन मानसून सीजन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ ध्यान देना आप कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता है और जो एग्रीकल्चर है वो मानसून सीजन पे डिपेंड करता है अगर आप अगर न्यूज़ में आप थोड़ा सा रेगुलर अगर ध्यान देते होगे तो मानसून सीजन अगर अच्छा नहीं होता है बहुत बारिश अच्छे से नहीं होती है कम या ज़्यादा बारिश हो जाती है तो हमारा एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर का जो आउटकम है यानी जो प्रोड्यूस है उस पर फ़र्क पड़ता है और प्रोड्यूस पर फ़र्क पड़ने से क्या होता है हमारे जो बजट बनता है हमारा हर साल का जो बजट बनता है उसमें आप देखोगे थोड़े चेंजेस आते हैं ठीक है कंट्री ठी उस टाइम पे अगर बहुत अच्छा क्रॉप नहीं होता है बहुत अच्छा ग्रेन नहीं बनता है तो कंट्री का जो इकॉनॉमी है थोड़ा मोड़ा फ़र्क पड़ता है यानी हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के वजह से इकॉनमी पे फ़र्क पड़ता है ठीक है अच्छा तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोगों ने एग्रीकल्चर ने बहुत सारे इन्वांसमेंट कर लिया है लेकिन स्टिल एक सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन जिसमें हम जो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है इंडिया को उसको हर तरीके से कैसे फीड कर पाए हर ग्रेन फूड इवन नॉट अप टू इंडिया इंडिया के बाहर भी जो डिफरेंट कंट्रीज है जो सेल्फ सफिशेंट नहीं है या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे हम क्रॉप लगा ही नहीं पाते हैं जैसे आप देखो ऊपर एल्टीट्यूड नॉर्दर्न हेमोसफियर की तरफ जाओ तो रसिया है रसिया वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत कोल्डर क्लाइमेट है वहाँ पे भी जो लोग रह रहे हैं उनको भी खाना चाहिए तो हम उनके लिए भी क्रॉप प्रोड्यूस कर पाएं ये वे स्पेसिफिक बहुत सारे क्रॉप्स जो लग ही नहीं पाएंगे कोल्डर क्लाइमेट में उनको अभी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा इसके लिए हमें सेकेंड रिवोल्यूशन की भी जरूरत है ठीक है अच्छा तो ये जो हम लोगों ने अभी तक सेगमेंट डिस्कस किया है दैट इज़ वाट वॉज़ इंडिया इन एग्रीकल्चर एंड वॉट इज इंडिया नाउ अब बात करते हैं थोड़ा सा चीज नेशनल इनकम पे व्हाट इज नेशनल इनकम टोटल इनकम इनसाइड साइड द कंट्री लोग जितना कमाते हैं हमारे टोटल देश में हमने कितना ज्यादा पैसा कमाया किसी भी सोर्स से हमारे देश के अंदर में दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम क्या है इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजनस टू सी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है अगर ज्यादा इनकम हो रहा है यानी डेवलपमेंट अच्छा है टू एक्सेस द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव एंड टू टूट टू नो कंट्रीब्यूशन ऑफ़ वेरियस सेक्टर्स टू दी नेशनल इनकम यानी अगर इनकम हो रहा है तो किस सेक्टर से ज़्यादा इनकम हो रहा है हम कह सकते हैं ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो टेक्सटाइल एक सेक्टर हो गया एग्रीकल्चर एक सेक्टर हो गया उसी तरीके से मशीनरीज हो गया रोड एंड ट्रांसपोर्ट एक अलग सेक्टर है तो नेशनल इनकम में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इन सारी चीज़ों को हम किस में कवर करते हैं या फिर हम कह सकते हैं नेशनल इनकम जो है इन सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है अच्छा मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में परफॉर्मेंस ऑफ इकोनमी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसज प्रोड्यूज इन एन इकानमी कहने का मतलब है कि इकानमी कैसा परफॉर्म कर रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आप कितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस कर रहे हो उस इकोनॉमी के अंदर में मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू चॉक आउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ इकोनॉमी ठीक है नेशनल इनकम मेजर करके हम फ्यूचर क्या हो सकता है एक दो साल में हम चीज़ें क्या कर सकते हैं किस पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को भी हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं इट ऑल्सो ब्रॉडली इंडिकेट्स द पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे मैंने गांव वाले लोगों के बारे में बताया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ का इनहसमेंट होता है इन सारी चीज़ों से इनकम कैन बी मेजर्ड बाई जी एन पी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जी डी पी थर्ड इज ग्रॉस नेशनल इनकम दैट इज जी एन आई नेट नेशनल प्रोडक्ट दैट इज एन एन पी एंड नेट नेशनल इनकम दैट इज़ एन एन आई अभी जो टर्म है ना इकोनॉमिकल टर्म्स हैं इनको हम इकॉनमी वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे आपका कोई चीज़ छूटेगा नहीं जस्ट अभी आप ये क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रॉस या फिर हम कह सकते हैं कि नेट ये जो टर्म्स हैं ना ये नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स में आप कवर कर लोगे और बहुत ही बेसिक सा चीज है आप समझ जाओगे कि इतना टोटल इनकम हुआ इसमें से हमारा एक्सपेंडिचर निकाल देते हैं तो नेट ये हो गया ये सारी चीजों को आप कवर कर लोगे फिलहाल के लिए जो हमारा इनकम है वो मेजर होता है इन इन टर्म्स में जी एन जस्ट अ डी पी, जी पी, जी पी, जी पी दिफर्ण 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 जैसे जी एन और डिफरेंट डिफरेंट जैसे हमारा जीएनआई एन और एन, के, एन के टर्म्स में ठीक है इंडिया is the फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन the इंडिया India's GDP has surged अप to 3.1 trillion dollars. ट्रिलियन डॉलर्स ठीक है मतलब अगर अगर हम आज से 2007 या फिर चलिए 2010 के अंदर बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी कितनी थी 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स हम लोगों ने 10 साल में इस चीज़ को डबल किया है ठीक है एग्रीकल्चर इनकम इन That इज एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब इस टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर एंड जीडीपी क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट थर्टी टू परसेंट इन नाइनटीन नाइनटी से नाइन वन में यानी अगर आप देखो जीडीपी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था थर्टी टू परसेंट आज कितना नाइनटीन बोलते हैं हम ड्यूरिंग टू थाउजेंड फाइव सिक्स में हम देखते हैं ट्वेंटी परसेंट वहीं पर घट गया एंड नाव कितना है नाइन्टीन परसेंट है नाव मींस हम जो लेटेस्ट डेटा अपने पास में दैट इज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू डी पी इनकम टू इंडिया इज ग्रेट न्यूज एट दैट today द सर्विस सेक्टर अच्छा कहने का मतलब है कि आज के टाइम पे नॉट कोर एग्रीकल्चर उसके जो सर्विस सेक्टर्स जो भी हैं वो भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द इंडियन इकोनॉमी ठीक है ओके इट टेक्स इंडिया वन स्टेप क्लोजर टू द डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ दर्ल्ड अगर इट वॉज एग्रीकल्चर विच मेनली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियन जी मतलब अगर हम पहले बात करें सिर्फ एग्रीकल्चर ही फिफ्टी तक जा रहा है ठीक है तो पहले बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था मैं 50 परसेंट कब बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर बहुत पहले इन द सेंस अब सेवेंटी फाइव एटीज़ के टाइम में हम बात कर रहे हैं ठीक है 50 परसेंट तक होता था फिर 32 हुआ फिर उसके ट्वेंटी हुआ आज हम जाके 19 पे हैं ठीक है तो अगर हम बात करें कि इंडिया जो है कौन सी इकॉनमी है वर्ल्ड में इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन वर्ल्ड ठीक है अगर हम बात करें मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ दी कंट्री पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे जैसे मैंने आपको बताया ठीक है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मैंने आपको कितना बोला यहाँ पे हमने मेंशन भी किया था अब देखो कितने परसेंट सिक्सटी परसेंट जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से एम्प्लॉय होते हैं ठीक है थीके? तो ये बेसिक बेसिक हो गया अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियन इकॉनमी के बारे में तो जैसे मैंने बोला कि मेनली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर में यानी इंडियन इकॉनमी को हम एग्रो इकॉनमी भी कह सकते हैं ठीक है अब एग्रो इकोनॉमी कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि हंड्रेड परसेंट चीज़ें हैं लेकिन एग्रीकल्चर भी एक फैक्टर है ठीक है चलो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में ऑब्बियस हम तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं लेकिन स्टिल अगर मैं दो पॉइंट्स अगर आपको बोलना चाहूँ तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द रूरल एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल लेबर ठीक है यानी लेबर्स को एग्रीकल्चर जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है गाँव और जो गांव से जो नहीं भी हैं उनके लिए एज एन लेबर प्रोवाइड करता है दूसरा इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी इंटरनेशनल ट्रेड एंड इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर आपने एपिडा का नाम सुना होगा जो मेन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर ध्यान देता है हमारे क्रॉप्स का दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में ठीक है अच्छा नेक्स्ट है रोल क्या है इंडियन एग्रीकल्चर का इन दी इंडियन इकॉनमी मतलब कौन कौन से रोल को प्ले करता है एग्रीकल्चर इंडियन इकॉनमी में पहला जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ठीक है सबसे पहला है कंट्रीब्यूशन इन दी जीडीपी दूसरा इट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉय सेक्टर क्या है ये बहुत बड़ा एम्प्लॉय सेक्टर है ठीक है थर्ड इट इज़ अ सोर्स ऑफ फूड अगर एग्रीकल्चर नहीं तो सोर्स ऑफ फूड मतलब समझ रहे हो ना कि खाने में ही दिक्कत खाने पीने में दिक्कत हो जाएगा यानी एक सोर्स का फैक्टर बनता है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज़ रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ये एग्रीकल्चर क्या है एग्रीकल्चर है तो उससे अलाइट जो सेक्टर्स हैं यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर वो काम कर रहे हैं जैसे अब टेक्सटाइल्स सोच के देखो हनी के लिए जो है ठीक है तो बहुत सारे जो ऐसे मटेरियल लेदर हो गया ठीक है रियरिंग करने से हो गया मीट इंडस्ट्री है अगर एनिमल हस्बेंड्री नहीं हो तो मीट इंडस्ट्री भी बहुत प्रॉपरली काम नहीं करेगी ठीक है तो ये चीज़ें हो गई हमने चार पॉइंट्स तो यहाँ कवर किए पांचवा क्या है कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस है ठीक है इंडियन एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ट्रेड परपसेज बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली एग्रो प्रोडक्ट्स सच एज टी कॉफी सुगर कैशो नट स्पाइसेज विच आर एडिबल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स सच एज जूट कॉटन एंड अदर कॉन्ट्रीब्यूट फिफ्टी टू फिफ्टी परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट टू द टोटल एक्सपोर्ट यानी जो कॉमर्शली हम जो चीज़ों को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं उसमें आप देख लो जो हमारा टी कॉफी सुगर कैशूज जो है यानी स्पाइसेज जो है फिफ्टी परसेंट हमारे एक्सपोर्ट को कवर करता है और अगर बात करें जूट यानी जूट कॉटन वो ट्वेंटी परसेंट कवर करता है टोटल एक्सपोर्ट को ठीक है नेक्स्ट अगर है दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन इन दी गवर्नमेंट्स रेवेन्यू ठीक है जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जहाँ से पैसा कमाती है उसमें भी एक बड़ा पार्ट रखता है एग्रीकल्चर ठीक है और नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर इंडियाज़ प्लानिंग प्रोस्पेक्ट आज वेरी आर ऑल्सो हैवली रिलियंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर कहने का मतलब है जो इंडिया अपने बारे में नेक्स्ट जो प्लानिंग करता है नेक्स्ट साल की जो प्लानिंग करता है वो हैवली डिपेंड है करता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे कि कैसा प्रोड्यूस हो रहा है मॉनसून कैसा हुआ है उस बेसिस पे क्रॉप प्रोडक्शन देखते हैं और उसी हिसाब से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उसी बेसिस पे हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं तो अगर आप सोच के देखो मैं अगर आज के लेक्चर को पूरा कंक्लूड करूँ तो मैं क्या बोलूँगा कंक्लूजन यही निकलता है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज एन एग्रो इकोनॉमी एंड हाईली डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक है डिस्पाइट जस्ट सपोर्टिंग द इंडियन इकोनॉमी मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करता है द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो सपोर्ट्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ठीक है अच्छा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके साथ में कि और चीज़ें क्या है ऑल दो दंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी इज रिड्यूसिंग हमने देखा ना पहले 50 परसेंट देन इतना ट्वेंटी परसेंट हुआ दैन नाइनटीन परसेंट पे है द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज रिड्यूसिंग इट इज़ दिस सेक्टर विद द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन इट अराउंड द कंट्री ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें आज भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और काम करते हैं तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी तो इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है इसीलिए इसको एग्रो इकोनॉमी कह रहे हैं हाली डिपेंडेंट ऑन दी एग्रीकल्चर सेक्टर है ठीक है एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ खाने यानी खाने के लिए नहीं है यानी खाना प्रोडक्शन के लिए नहीं है ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी सपोर्ट करता है ट्रेड यानी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट को भी सपोर्ट करता है हम जानते हैं कि रिड्यूस हो रहा है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन दी डी एग्रीकल्चर से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कम हो रहा है लेकिन तो स्टिल जो जो एम्प्लॉयमेंट uh, सेक्टर है वो सबसे बड़ा है एग्रीकल्चर आई होप गैज़ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा ऐसे ही और लेक्चर के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए जिसका मैंने आपको लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अभी थर्टी फर्स्ट जनवरी तक हमारे पास में कोपन कोड है एम एस सी टू जीरो टू थ्री जिस पर आपको इंस्टेंट टू हंड्रेड रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और जो एक प्रॉपरली हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम दी फर्स्ट फैब जो कि हम एंड करेंगे थर्टी एट अप्रैल को इसके अंदर में आपको वीडियो लेक्चर्स तो मिलने ही वाले हैं साथ साथ में आपको जो लेक्चर का पी है वो भी टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगा और हम हर वीक करने वाले हैं क्विजेज़ एंड मॉक टेस्ट ठीक है और एवरी सैटरडे आपको मुझसे और जो डिफरेंट टीचर्स होंगे उनके साथ में आपको लाइव इंटरेक्शन का भी मौका मिलने वाला है सो गाइज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ज्वाइन दिस कोर्स एंड बी सक्सेसफुल बाय मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में